नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई करता 23 पर। आज वीडियो में हम लेकर आए हैं पीजीटी टीचर्स भर्ती, पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर भर्ती, ONGC में 2,236 पदों पर भर्ती, 5,272 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती। जानिए सब कुल वैकेंसी 2,236 पदों पर है। योग्यता 10वीं और 12वीं ONGC में अप्रेंटिस के पदों के लिए 2,236 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू 10वीं और 12वीं पास यहां पर कर सकते हैं, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी सूचना को जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से तक हो निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि से पहले आप यहाँ पर अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों में महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी हैं। दोनों ही तरह के आवेदन बिहार में निकले हैं। 15,000 वैकेंसी क्लर्क से लेकर के असिस्टेंट टीचर्स तक यहाँ पर वैकेंसी, पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। बता दें कि ये सभी वैकेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा घोषित की गई है। SM बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी का मौका है। मंत्री ने बताया कि ऐसे भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भरी जाएंगी। सरकार द्वारा पेश की गई इन वैकेंसियों पर पदाधिकारी क्लर्क लेवल तकनीकी सहायक नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में सरकार 3,00,000 पदों पर अलग अलग विभागों में नियुक्ति, बता दें कि इन पदों पर पदाधिकारियों क्लर्क लेवल और तकनीकी सहायक के लिए नियुक्ति होगी। पदाधिकारी की नियुक्ति BPSC के द्वारा की गई। इसके अलावा क्लर्क लेवल की नियुक्ति राज्य कर्मचारी आयोग द्वारा की जाएगी, जबकि टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर एजेंसियों द्वारा PGT टीचर्स की पोस्ट पर आज ही करें आवेदन। PGT के लिए दिल्ली सरकार स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान चला रही है। इस भर्ती का आयोजन दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB द्वारा किया जाएगा, जिसके तहत 200 स्पेशल एजुकेशन टीचर पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इस भर्ती को मंजूरी दी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दिव्यांग बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अवसर मिले और दिल्ली में वर्तमान 9वीं से 12वीं कक्षा के 95 से अधिक दिव्यांग बच्चे CWD में रजिस्टर है। लेकिन इस क्षेत्र में केवल 283 PGT टीचर्स ही उपलब्ध हैं, जबकि 301 पद स्वीकृत है। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि विशेष शिक्षा के लिए संसाधनों की कितनी आवश्यकता है। उपराज्यपाल ने आदेश दिया कि इन रिक्तों को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि शिक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए नए शिक्षकों को वेतन मान स्तर के 8 स्तर के तहत 47,600 रुपये से 1,51,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी DSSSB द्वारा जारी। UP में 5,272 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर भर्ती शुरू। जाने कैसे करें आवेदन और क्या होनी चाहिए योग्यता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5,272 महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम NM के रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इनमें 4,892 पद सामान्य चयन के लिए और 380 पद विशेष चयन के लिए आरक्षित है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से USSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि जो है 27 नवंबर 2024। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार आरक्षित वर्ग जैसे SC ST OBC से आता है तो उसे सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी, यानी उन्हें अधिकतम आयु सीमा में कुछ सालों की छूट मिल सकती है। उम्मीदवारों को 12वीं पास होने के साथ साथ 1.5 या 2 साल का सहायक नर्सिंग होम मिडवाइफरी NM कोर्स किया जाना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों का उत्तर प्रदेश नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिलिंग लखनऊ में पंजीकृत होना। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन USSSB पैट 2023 के लिए स्कोर के आधार पर किया जाएगा, यानी जिन उम्मीदवारों ने पैट 2023 में अच्छे अंक हासिल किए हैं उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सिर्फ 25 रुपये का शुल्क रखा गया है। आप शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या फिर SBI बैंक के जरिए। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भक्ति।